Dear students, today we are going to discuss third atomic model and it is called Rutherford's model of atom. Ernest Rutherford was a New Zealand born British physicist and because of his various contributions he came to be known as the father of nuclear physics. Rutherford ka model, it is also known as nuclear atom or planetary model of the atom, which describes the structure of atom. But jo ye model hai, it is based on an experiment aur us experiment ko hum bolte hain alpha particle scattering experiment, which tells us what is inside the space of atom, yani ke atom ke andar kya hai. So what he did in this experiment, usne liye isme alpha particles और इसमें लिए उसने गोल्ड फॉयल्स. वाई गोल्ड फॉयल्स, वाई नॉट अदर मैटर? जो गोल्ड होता है ये मैलेबल होते हैं, यानी कि इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स. और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. इफ़ यू गो टू द पीरियोडिक टेबल, वी नो हीलियम इट इज़ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसमें एटॉमिक मास है 4, यानी कि इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. सेम इज़ द केस विद अल्फ़ा पार्टिकल, इसमें भी दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तभी हम बोलते हैं दे आर लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. अब न्यूट्रॉन्स ये न्यूट्रल होते हैं, रहे प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तभी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज. So what he did next, he made these alpha particles to fall on this gold foil. तो ये है source of alpha particles. जब यहाँ से alpha particles निकले, you can see the diagram, some alpha particles are scattered, यानी कि ये uniformly क्या हो गए, distribute हो गए या ये deflect हो गए from this gold foil. You can see here, कुछ ही लेकिन. But most of जो alpha particles थे वो undeflected रह गए, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो निकले थे इस सोर्स से, उसी डायरेक्शन जब वो किस पे पड़े, इस गोल्ड शीट पे, उसी डायरेक्शन से वो वहाँ से भी निकल गए, यानी कि स्ट्रेट पाथ से निकले. सो यहाँ से इसने क्या कंक्लूजन निकाला, ही टोल्ड जो मोस्ट ऑफ एन एटम है वो एम्प्टी है, यानी कि एटम में ज़्यादा से जगह जो है वो क्या है, वो खाली है, उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है. अब जो बाकी स्पेस बची एटम में वो क्या है, उसमें है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. आई होप आप लोगों को इस बात समझ आई होगी, जो सेंटर है एटम का वो है पॉजिटिवली चार्ज, और उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, तभी न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. बट हाउ ही मेड दिस कंक्लूजन, यू कैन सी जो अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको बोला ये पॉजिटिवली हैं, अगर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिवली, लाइक ये चार्जेस क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तभी जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो इससे दूर चले गए. एंड फर्दर ही व्हाट ही टोल्ड, उसने बोला मोस्ट ऑफ स्पेस जो एटम में है वो क्या है, एम्प्टी, उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, तभी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या रह गए, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जब वहाँ से कोई चार्ज है ही नहीं तो वो स्ट्रेटली वहाँ से निकल पड़े. तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रपोज्ड अ मॉडल, और उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. सो व्हाट वेयर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल, उसने बोला पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम है वो इनक्लोज्ड है एक छोटी सी वॉल्यूम में, और उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कहाँ पे लोकेट हैं, एट द सेंटर, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. सेकेंड पॉस्टुलेट था रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज्ड दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो घेर लेते हैं इस सेंटर को, इस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एंड फर्दर ही एडेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं इस सेंटर के इर्द गिर्द एट हाई स्पीड, बट किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में,
और उस सर्कुलर पाथ को इसने नाम दिया ऑर्बिट्स। यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पे है न्यूक्लियस एट द सेंटर पॉजिटिवली चार्जेड, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स हैं, और बाहर क्या है नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये यू कैन सी कहाँ पे है, ये सर्कुलर पाथ में, और इस पाथ को इसने बोला ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज ऑर्बिट्स, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द इन ऑर्बिट्स, वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही घूमते हैं अराउंड द सेंटर ऑफ एटम। एंड फर्दर ही एडेड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और जो सेंटर जो ऑफ एटम है ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज, या हम बोलेंगे प्रोटॉन। सिंपली ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस वॉज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इस तरीके से प्लम पडिंग मॉडल जो जे जे थॉम्सन ने दी थी वो रिप्लेस हो गई बाय दिस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन।